हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एडीओ के 13वें टेस्ट सीरीज में। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर एक है, इंदिरा आवास योजना किस तिथि से एक स्वतंत्र योजना है? ऑप्शन ए 1 जनवरी 1996, ऑप्शन बी 1 जनवरी 1997, ऑप्शन सी 1 जनवरी 1998 और ऑप्शन डी 1 जनवरी 2002। दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन ए 1 जनवरी 1996। क्वेश्चन नंबर दो है, इंदिरा आवास योजना 1985-86 में किस योजना की उपयोजना रही है? ऑप्शन ए ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी योजना, ऑप्शन बी ग्रामीण भूमिहीन कृषक गारंटी योजना, ऑप्शन सी ग्रामीण आवास योजना और ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी योजना। क्वेश्चन नंबर तीन है, 1989 में इंदिरा आवास योजना को किसके अंतर्गत शामिल किया गया था? ऑप्शन ए जवाहर रोजगार योजना, ऑप्शन बी पीएम आवास योजना, ऑप्शन सी ग्रामीण आवास योजना और ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए जवाहर रोजगार योजना। क्वेश्चन नंबर चार है, इंदिरा आवास योजना के तहत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति को 60%, अल्पसंख्यक को 15%, वहीं विकलांग को कितना आरक्षण प्रदान किया जाता है? ऑप्शन ए 3%, ऑप्शन बी 16%, ऑप्शन सी 18% और ऑप्शन डी 2%। दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए 3%। क्वेश्चन नंबर पाँच है, इंदिरा आवास योजना के तहत केंद्र एवं राज्य का वित्त भार कितना था? ऑप्शन ए 60:40 का, ऑप्शन बी 90:10 का, ऑप्शन सी 75:25 का और ऑप्शन डी 40:60 का। दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी 75:25 का। क्वेश्चन नंबर छः है, इंदिरा आवास योजना के तहत 1 अप्रैल 2013 से सामान्य एवं मैदानी क्षेत्रों के लिए कितना राशि दिया जाता था? ऑप्शन ए 70,000 रुपये, ऑप्शन बी 75,000 रुपये, ऑप्शन सी 80,000 रुपये और ऑप्शन डी 90,000 रुपये। दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए 70,000 रुपये। क्वेश्चन नंबर सात है, इंदिरा आवास योजना के तहत 1 अप्रैल 2013 से पहाड़ी एवं दुर्गम क्षेत्रों के लिए कितना राशि दिया जाता था? ऑप्शन ए 75,000 रुपये, ऑप्शन बी 78,000 रुपये, ऑप्शन सी 90,000 रुपये और ऑप्शन डी 1,00,000 रुपये। दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए 75,000 रुपये। क्वेश्चन नंबर आठ है, इंदिरा आवास योजना के तहत IAP जिले में लोगों को कितने प्रतिशत की दर से किसी भी बैंक से 20,000 रुपये तक का ऋण प्राप्त हो सकता है? ऑप्शन ए 2%, ऑप्शन बी 6%, ऑप्शन सी 7% और ऑप्शन डी 4%। दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी 4%। क्वेश्चन नंबर नौ है, इंदिरा आवास योजना की नोडल एजेंसी किसे बनाया गया था? ऑप्शन ए ग्रामीण विकास मंत्रालय को, ऑप्शन बी पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्रालय को, ऑप्शन सी आवास मंत्रालय को और ऑप्शन डी जिला ग्रामीण विकास एजेंसी यानी DRDA को। दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी जिला ग्रामीण विकास एजेंसी यानी DRDA को। वहीं अंतिम क्वेश्चन है, भारत निर्माण कार्यक्रम कब से प्रारंभ किया गया है? ऑप्शन ए 16 दिसंबर 2005 को, ऑप्शन बी 18 दिसंबर 2006 को, ऑप्शन सी 18 दिसंबर 2001 को और ऑप्शन डी 12 दिसंबर 2004 को। दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए 16 दिसंबर 2005 को। तो दोस्तों, मिलते हैं एक नए टेस्ट सीरीज के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।